आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली के अंदर लेजर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था लेजर अकाउंट बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से कौन से प्रोवाइडेड होते हैं, कौन से करेंसीज ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, वाउचर्स अवेलेबल होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमें टैली में कंपनी क्रिएट करते के टाइम मिल जाते हैं। प्लीज आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फर्दर वीडियो की लिंक भी आपको टॉप राइट साइड में आई बटन पे प्रोवाइडेड होगी। प्लीज आप चेकआउट कर लीजिए। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल है, अकाउंट्स ओनली की स्क्रीन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें अभी लेजर्स बनाने हैं। पहले हेडिंग में मास्टर्स लिखा हुआ है, ये मास्टर्स, उसके अंदर अकाउंट्स इन्फो लिखा हुआ है, जहाँ पे अभी हमें अंदर जाना है अकाउंट्स इन्फो में। यहाँ पे अभी हमें क्रिएट करने हैं लेजर्स को। तो लेजर्स में अंदर जाने से पहले हम आपको ग्रुप्स में लेके जाएंगे। ग्रुप्स में अंदर आपको देखा रहा है डिस्प्ले, तो ये सब जो ग्रुप्स हैं वो अवेलेबल होते ही हैं, जो आपको हमने पहले वाले वीडियो में बताए थे। हम कैंसिल कर लेते हैं और एस्केप करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं लेजर्स। अभी लेजर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर के पोर्शन में सिंगल लेजर लिखा हुआ है और नीचे पोर्शन में मल्टीपल लेजर लिखा हुआ है। हम दोनों सेक्शंस को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सिंगल लेजर्स में, जो क्रिएट ऑप्शन दिखाया हुआ है। हम क्रिएट के अंदर चलते हैं। अभी ये हमारे सामने स्क्रीन आ गया, देख सकते हैं ऊपर लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आया हुआ है। पहला ऑप्शन नेम लिखा हुआ है, आपको कौन सा लेजर अकाउंट स्नैक क्रिएट करना है। सपोज हम पहला लेजर बनाते हैं शॉप अकाउंट का, एंटर किया। यहाँ पे अलाइज पूछ रहा है, डेट मीन इसका कोई शॉर्ट फॉर्म निक नेम फेमस नेम है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट एंटर कर लीजिए। यहाँ पे अभी ऑप्शन आया है अंडर ग्रुप। आपको राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मिल जाते हैं, जो ग्रुप्स हमने आपको पहले बताया कि ग्रुप्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो अभी हमें यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करना है हमारे शॉप अकाउंट के लिए कौन सा ग्रुप होगा। अभी शॉप अकाउंट क्या होता है, मोस्टली फिक्स असेट होता है, क्योंकि हम जो कंपनी बना रहे हैं ये नॉर्मल स्टार्टिंग कंपनी, जहां पे हम गुड्स बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू जो शॉप है वो हमारा फिक्स असेट है। जस्ट कीबोर्ड से हमने F प्रेस किया तो देखिए राइट साइड में स्क्रीन में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से जस्ट फिक्स असेट्स आ गया। एंटर किया, यहाँ पे हमें कुछ डिटेल देने की नीड नहीं है, हम एंटर करते बाहर आ रहे हैं। ये एंटर करके बाहर आ गए। फाइनल पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है, यस और नो, डेफिनेटली में यस करना है। तो कीबोर्ड से आप एंटर भी कर सकते हैं, अदरवाइज वाई बटन प्रेस कर सकते हैं, डेट मीन्स यस, ठीक है। ये हमारा लेजर सेव हो गया। उसके बाद आते हैं जो अभी हमारा ओनर है, वो कुछ डेफिनेटली क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल को। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, ये कैपिटल अकाउंट, सोल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल दे रहे हैं। एंटर किया, यहाँ पे अलाइज कुछ नहीं लिख देते हैं, अंडर में कैपिटल, तो जस्ट कीबोर्ड से सी प्रेस कर लीजिए। वहां पे देखिए राइट साइड में हाईलाइटेड हो गए। अभी एरो की हेल्प से आप कैपिटल अकाउंट में आ जाइए और एंटर करते हुए बाहर आइए। अगर आपको एंटर नहीं चाहे तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए, डेट मीन सेव एंड क्लोज, कंट्रोल ए करके भी बाहर आ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाते हैं, सपोज HDFC बैंक अकाउंट, ओनर जो है प्रोपराइटर जो है वो HDFC में कुछ अकाउंट ओपन कर रहे हैं। एंटर किया, एंटर, यहाँ पे अंडर ग्रुप हमें बैंक में दिखाना है। आप चाहें तो डायरेक्टली कीबोर्ड से एरो की हेल्प से बैंक अकाउंट में आइए और एंटर कर लीजिए। यहाँ पे सब डिटेल्स है, हम अभी एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं ले रहे हैं, जस्ट एंटर करते बाहर आ रहे हैं। ये डिटेल में बाद में कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में। अब हमने एंटर करके बाहर आ गए, सेव कर दिया। उसके साथ में अभी सपोज फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट बना लेते हैं, सैलरी अकाउंट एंटर किया, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आई प्रेस किया तो राइट साइड में हाईलाइटेड हो गया, आप यहां से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाहें तो यहां से एक्सपेंस इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं, बोथ आर दी सेम थिंग। एंटर करते हुए कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट एंटर करते हुए सेव करके बाहर आना है। यहाँ पे अभी हमें दूसरा बनाया ऑफिस लाइट बिल, एंटर किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है, हम एंटर ना करके शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं कंट्रोल ए, ठीक है। उसके साथ में परचेस अकाउंट बनाया, अभी परचेस अकाउंट किस में जाता है, परचेसेस में जाता है,
लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं और एंटर करके बाहर आ रहे हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए कर दिया। अभी लेजर तो हमारा सेव हो चुका है, लेकिन अभी हमें क्लिक हुआ कि हमने कोई मिस्टेक की है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। उससे पहले आप देख लीजिए नीचे स्टेटस पे, जैसे आपको दिखा रहा है क्या, आप गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट फॉर लेजर, लेजर क्रिएशन में अभी स्टे कर रहे हैं, जहाँ से हमने लेजर्स बनाए, हम कैंसिल कर रहे, मीन्स एस्केप कर रहे हैं, बाहर की तरफ आए। अगर जस्ट आपको देखना है तो आप डिस्प्ले में आइए, ये सब लेजर्स अवेलेबल है अभी, क्योंकि हमने सब क्रिएट किए, लेकिन कैश अकाउंट हमने नहीं बनाया और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। अभी हमने मिस्टेक क्या की है, परचेसेस के अंदर आप अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अभी कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा, कुछ एंटर कोई बटन प्रेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप स्टेटस में चेकआउट कीजिए, आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, डिस्प्ले में, ठीक है, जस्ट देखने के लिए आए थे, एस्केप किया, बाहर जा रहे हैं। अभी हमें आना है अल्टर में, परचेसेस में जाना है, पी प्रेस किया, आगे हाईलाइट होके परचेस में गए। अब यहाँ पे आप एंटर करके उसमें जो चाहे अल्टरेशन कर सकते हैं, जैसे परचेस परचेस में जाता है, पी प्रेस किया, हाईलाइट हो चुका है वहां से, तो परचेस अकाउंट को डन करते हुए बाहर आ रहे हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए कर सकते हैं। आप स्टेटस में चेक कीजिए, दिखा रहा है लेजर अल्टरेशन में हम स्टे कर रहे हैं, कंट्रोल ए किया, हो गया ये। अगेन हम बाहर आके हम क्रिएट में आते हैं, यहाँ पे सेल अकाउंट बनाया, सेल सेल्स में जाता है, यहाँ से एरो की हेल्प से हमें सेल्स में आना है। आप कैसे भी लेजर्स बना जाइए, जब आप चेकआउट करेंगे डिस्प्ले में, आपको ये सब अल्फाबेट ऑर्डर में ही मिलेंगे, ओके। हम एस्केप करके बाहर आ रहे हैं, ये तो हुआ सिंगल प्रोसीजर से, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। अभी आते हैं मल्टीपल्स में, अब जैसे डिस्प्ले है, अंदर की तरफ गए, ऑल आइटम्स देखना है, ये ऑल आइटम्स, सबके सब आइटम सामने आ गए, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सीरियल नंबर भी प्रोवाइडेड है, और राइट साइड से आपको अंडर ग्रुप भी दिखा रहा है, एक साथ आप सबके सब लेजर्स को देख सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ आए हैं, डिस्प्ले में आए हैं। आप नीचे बॉटम में स्टेटस पे देख सकते हैं मल्टीपल लेजर डिस्प्ले दिखा रहा है, आप कैंसिल करके बाहर जाइए, डेट मीन एस्केप करके, आप चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं मल्टीपल लेजर्स में जाके, अंडर ग्रुप यहाँ पे ऑल आइटम दिखा रहा है, ऑल आइटम पे एंटर किया। अब यहाँ पे आपको कवर करना है, सपोज हमने बनाया डिविडेंड रिसीव अकाउंट, ठीक है, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, आय लगाया तो ये इनडायरेक्ट इनकम लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा रेंट रिसीव, ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, लेकिन हमने जल्दबाजी में एंटर कर दिया, बैंक अकाउंट हो गया, कोई टेंशन नहीं, आप ऑन द स्पॉट बैक स्पेस करके इनडायरेक्ट इनकम में जा सकते हैं। फिर यहाँ पे सपोज हमने बना दिया ड्राइंग अकाउंट, ये कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल में, ठीक है। अभी ये तो लेजर्स अकाउंट क्रिएट करना तो बहुत ही इजी हो गया, लेकिन ड्रॉबैक या क्या है, अगर सपोज हमारे हाथ से हमने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर दिया, अदरवाइज लोड शेडिंग की वजह से कंप्यूटर बंद हो गया, तो हमने जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लेजर हमारा सेव नहीं हो रहा है, राइट, हम जस्ट लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो सिंगल प्रोसीजर से हम बना रहे थे तो एक एक लेजर हमें बॉटम में सेव करने के लिए परमिशन ले रहा था, अदरवाइज हम कंट्रोल ए कर रहे थे, कंट्रोल ए तो यहाँ पे भी कर दिया, तो क्या हो गया, सेव हो गया, तो तीन लेजर्स बने, सेव हो गए। तो अब ऐसे में कर सके, दो तीन लेजर बनाया, सेव कर दीजिए कंट्रोल ए से, फिर कोई लॉस नहीं होगा, आप डिस्प्ले में आके ऑल आइटम में जाके सब चेकआउट कर सकते हैं। सिमिलरली बाहर जाके अल्टर में आइए, ऑल आइटम्स लीजिए, तो यहाँ पे सब के सब लेजर्स तो आपके पास अवेलेबल हैं, आप जिसमें चाहे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन याद रहे, आपको सेव करना कंपलसरी है। अगर आपका एस्केप बटन प्रेस हो जाता है, एस्केप कर दिया, जो भी आपने अल्टरेशन रेक्टिफिकेशन की होगी वो कुछ भी सेव नहीं होगी, ठीक है। बाहर आते हैं, तो इस प्रोसीजर से आप मल्टीपल लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट सिंगल में तो जस्ट एक एक लेजर्स आपको बनाना है, और मल्टीपल के अंदर आपको ऑल आइटम तो ऑप्शन अवेलेबल है ही है, अगर आप चाहें तो जस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लीजिए। अब यहाँ पे आप जो भी ऑफिस के लेजर्स इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बनाया, देखिए अंडर ग्रुप में उसने हमें कुछ परमिशन नहीं दी, ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्होंने सेट कर लिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने डिप्रिसिएशन बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस चला गया। तो आप इस प्रोसीजर से भी लेजर्स बना सकते हैं, जस्ट स्पेशली
बैक स्पेस करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपने ऑल आइटम कहा तो आपको अलग अलग लेजर्स, अलग अलग अंडर ग्रुप लेना अलाउड है। अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस कहा तो आपको जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाना अलाउड होगा। अगर आपने इनडायरेक्ट कहा तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम जैसे चाहे वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड अंडर ग्रुप से लेजर्स आप बना सकते हैं। हमें अभी नहीं चाहिए ये, जस्ट एस्केप कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। और उसी के साथ में सपोज आपको कोई लेजर डिलीट करना है तो हम ऊपर की तरफ आते हैं, सिंगल लेजर्स में जो अल्टर ऑप्शन है उसके अंदर गए। सपोज फॉर एग्जांपल हमें ड्राइंग अकाउंट को डिलीट करना है तो वहां पे आने के बाद हमें एंटर करेंगे। अब कीबोर्ड से हमें जस्ट प्रेस करना है अल्ट डी, देखिए मैसेज आया डिलीट यस और नो, तो हम इसको यस कर लेते हैं। ये भी हमारा जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो डिलीट हो गया, देखिए अभी लिस्ट में नहीं है। प्रोसीजर से आप अल्ट डी करके भी लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक्स हमारे, लेजर्स क्रिएट करना सिंगल लेजर्स बेसिस पे और मल्टीपल लेजर्स पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।